हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। तो आज मैं ना आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, महत्वपूर्ण विषय के ऊपर एक निबंध दे रही हूँ जो आप लोगों को एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में करना है। मेरा प्रिय त्यौहार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्ज़ाम में आता ही है। तो आपको जो अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं, तो अगर उसमें मेरा प्रिय त्यौहार है तो आप लोगों को ये अवश्य लिखना है। तो चलिए एक बार मैं आपको ये रीड करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ना मुद्दे दिए जाते हैं, अगर आपके स्कूल में नहीं देते हैं तो यू कैन डायरेक्टली राइट प्रस्तावना, प्रिय त्यौहार का नाम, मनाने का कारण, त्यौहार से जुड़ी कथा, त्यौहार किस प्रकार मनाते हैं, प्रिय होने का कारण, उपसंहार। तो यहाँ पर आपको ये प्रस्तावना देनी है, शुरुआत करनी है, प्रिय त्यौहार का नाम क्या है और फिर वो क्यों मनाते हैं, उसके पीछे कोई कहानी जुड़ी है क्या, ये सब हमें डिटेल में बताना है। मेरा प्रिय त्यौहार, भारत त्यौहारों का देश है, यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। मेरा प्रिय त्यौहार दशहरा है। दशहरा मनाने के पीछे एक पुरानी कहानी है। कहते हैं कि दशहरे के प्रथम दिन भगवान श्री राम ने दुर्गा देवी की पूजा करके लंका पर चढ़ाई करना आरंभ किया और दसवें दिन रावण युद्ध में मारा गया। श्री राम विजयी हुए, इसीलिए उसे विजयादशमी भी कहते हैं। अभी पैराग्राफ चेंज करना है। दशहरा 10 दिनों तक चलने वाला पर्व है। दशहरे के 9 दिन को नवरात्र कहते हैं, मतलब 9 दिन को नवरात्र कहते हैं, जो मुझे बेहद पसंद है। हमारे यहाँ दुर्गा देवी की पूजा होती है और नवरात्रि हम गरबा नृत्य करते हैं। आप सब गरबा खेलते होंगे ना, तो गरबा नृत्य करते हैं। इस गरबा में सारे लोग उत्साह से हिस्सा लेते हैं। छोटे बच्चों से बड़ों तक सारे लोग इसका आनंद उठाते हैं। दशहरे के त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। दशहरे के दिन कई जगहों पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। दहन करते मतलब जलाते हैं। घर दुकानों पर फूल पत्तों के तोरण बांधे जाते हैं। मिठाई बांटी जाती है। दशहरे के 9 दिन लोग अपने दुखों को भूलकर 10 दिनों तक त्यौहार के रंग में रंग जाते हैं। अभी 9 दिन होते हैं नवरात्रि के और 10वां दिन होता है दशहरा। ठीक है, आप सोचोगे कि यहाँ 9 दिन दिया है फिर यहाँ 10 कैसे दिया है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। रंग में रंग जाते हैं। हंसी खुशी का यह वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए दशहरा मेरा प्रिय त्यौहार है। देखो बहुत ही संक्षिप्त में, ज़्यादा एकदम बड़ा भी किया नहीं है और एकदम छोटा भी नहीं है प्रॉपरली। और कभी भी आपको जब भी निबंध लिखना होता है तो उसमें 3 पैराग्राफ तो मिनिमम रहने चाहिए। आप एक हाथ एक्स्ट्रा बनाते हो तो चलेगा, जहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, उपसंहार मतलब एंड करते हैं उसका। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ज़रूर आप इसे प्रैक्टिस करो और आपको ऐसे ही नए नए विषयों के ऊपर भी मैं निबंध लेकर आने वाली हूँ। नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू।